अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग को जहाँ रखे कुछ रखे, आबाद रखे, इलाही आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ स्पेगेटी, स्पाइसी स्पेगेटी, वेजिटेबल स्पेगेटी। तो मुँह भी टेढ़ा करना पड़ता है स्पेगेटी भूजने को। स्पेगेटी बना रही हूँ तो सबसे पहले मैंने तकरीबन दो खाने के चम्मच, जितना दो खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम में ऑयल ही होगा, मैंने ऐसे अंदाजे से डाला है, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगी, ये 200 ग्राम चिकन है मेरा, ये इसमें डाल दूंगी। मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी इसको, रेसिपी पसंद आती है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए चिकन हमारा हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा इसको भूनेंगे। देखें मैंने एक मिनट तकरीबन इसको चलाया। इसमें मैं मसाले डालूंगी क्योंकि स्पाइसी बना रही हूँ तो स्पाइस तो डलेंगे ना इसमें। इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, ज़्यादा भर के नहीं। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो ज़्यादा भर के डाल दें। इसमें मैं डालूंगी, इसमें 1/2 टीस्पून जाएंगी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। इसमें डालूंगी नमक 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा भूनेंगे इसी के अंदर। जैसे मसालों की खुशबू आएगी ना फिर इसमें मैं सॉसेज वगैरह जो सॉस है ना वो डालूंगी। बड़े मज़े की बनती है ये, आप लोग दावतों में भी बना सकते हैं। जैसे किसी की दावत वगैरह करते हैं ना उसमें भी बनाओ तो बड़े अच्छे लगता है ये। ये देखिए हमारा मसाला भून गया, तेल की खुशबू भी आने लग गई है इसकी, ज़्यादा जलाना नहीं है इसको। इसमें मैं ये 4 चम्मच हैं चिल्ली गार्लिक सॉस के, ये डालूँगी। सोसी सोसी बनाना है ना, ये बना एक डालूंगी खाने का चम्मच सिरका। और एक खाने का चम्मच सोया सॉस डालूंगी, थोड़ा सा पकाऊंगी बस। अब इसमें मैं 1 कप शिमला मिर्च डालूंगी। इसमें मैं 1 कप गाजर डालूंगी। देखिए ये मेरी गाजरें फ्रीज हैं, जो जब सीज़न था तो मैंने फ्रीज की थी, तो ये मैंने ये फ्रीज किया। ये थोड़ा बर्फ का पानी भी है इसमें। 1 कप मैंने गाजरें लिए, 1 कप मैंने वो लिए। हल्का से चलाएंगे क्योंकि गाजरों के अंदर थोड़ी हल्की हल्की बर्फ है ना, और इसको मैं चलाऊँगी। अभी देखिए हम लोग इसको मैंने 2 मिनट पकाया। अब इसके ऊपर मैं ये स्पेगेटी डाल दूंगी, देखिए कितनी अच्छी बॉईल हुई हुई है। इसको भी हम लोग थोड़ा मिक्स करेंगे। गाजरें मेरी फ्रीज थी ना, क्योंकि गाजरों का तो सीजन है नहीं है, वैसे आराम से करेंगे। ये देखें 2 खाने के चम्मच इतना मैं इसमें, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के लिया है मैंने। ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर केचप, ये वही वाला बर्तन है जिसमें मैंने चिल्ली सोया सॉस डाली थी उसी में मैंने ये डाल दिया है। देखिए कितना सॉसी बना है ना। तैयार हो गया स्पाइसी स्पेगेटी विद वेजिटेबल। देखें
चले अब उसको हम लोग ना सर्व करते हैं। देखें मेरी ना स्पाइसी स्पेगेटी विद वेजिटेबल तैयार हो गई है। अगर आप लोगों ने बंद गोभी डालनी हुई तो डाल दीजिएगा, मेरे पास इस वक्त ना मौजूद नहीं थी और मेरा दिल भी नहीं था, अगर दिल होता तो मैं मंगवा भी लेती, तो मैंने ये बन तैयार कर ली है। अगर आप लोगों को ना देखें माशाल्लाह जूसी है। अच्छा गाजरें मेरी फ्रीज थी ना तो उस पर थोड़ा सा ना बर्फ़ हल्की हल्की सी थी तो थोड़ा सा पानी वो मैंने खुश्क कर लिया था, तो लेकिन अब तो गाजरें इतनी बुरी आ रही हैं कि ऑरेंज ऑरेंज सी आ रही हैं, तो ये मेरी फ्रीज गाजरें थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैसेज करें अगर आपको अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी तो भी करें, लगी है तो भी करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो मेहनत थी वो मैंने अच्छी की है या मैं उससे और अच्छी मुझे मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस दुआ के साथ आप लोग से इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला आप लोग को जहाँ रखे खुश रखे आबाद रखे, इलाही आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का मेरा दस्तरखान अल्लाह ताला हमेशा भरा रखे, इलाही आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।